तो हिसार में कोरोना के संक्रमण से मरने वालों की संख्या अब 6 तक पहुंच गई है। इसके चलते जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 163 तक पहुंची। हिसार में जिले की सीएमओ डॉक्टर रत्ना भारती से बात की हमारे संवाददाता महेश कुमार ने। ट्रेवल हिस्ट्री के साथ हिसार पहुंचने वाले लोगों ने हिसार के लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल रखा है। हिसार में कोरोना संक्रमित मरीजों की जो कुल संख्या है वो 163 तक पहुंच चुकी है। इसके साथ ही कोरोना के संक्रमण से मरने वालों का आंकड़ा भी अब 6 तक पहुंच चुका है। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हिसार की सीएमओ डॉक्टर रत्ना भारती। मैडम, मुझे बताइए कि 163 बड़ा ही आंकड़ा माना जाएगा, हम 1 और 2 पर रोकने की कोशिश कर रहे थे, 163 तक पहुँच गया। जी जी, ये धीरे धीरे बढ़ेगा और संभावना भी चल रही है कि और भी बढ़ सकता है, लेकिन हिसार जिले की टीम ने बहुत अच्छा काम भी करा है, नहीं तो बहुत बड़ा आंकड़ा भी हो सकता था। और क्योंकि अब 2 दिन में हमारे पास डेथ भी आ गई हैं, तो इसलिए हमें और विजिलेंट होकर और उससे काम करना पड़ेगा कि ये केस ज़्यादा ना बढ़े। लगातार हम देख रहे थे, एक ट्रेंड सामने आ रहा था कि दिल्ली और मुंबई से हिसार पहुंचने वाले लोगों ने संक्रमण का खतरा सबसे ज़्यादा बढ़ाया था, तो अब किस तरह का ट्रेंड देखने को मिल रहा है और मरने वालों की जो संख्या है वो क्या ट्रैवल हिस्ट्री वाले लोगों की है? इसमें मरने वालों में से भी ट्रैवल हिस्ट्री है, सभी बाहर से आए हुए हैं ऐसे, और जो दिल्ली, नोएडा, महाराष्ट्र ये बिल्कुल रेड जोन्स में हैं, तो हम बिल्कुल इस तरह से हमारी टीम काम कर रही है कि कभी भी कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है हमारी तुरंत टीम, जो हमारी टीम्स हैं वो पहुंच जाती हैं वहाँ पर, सैम्पलिंग भी करती हैं, या हमने ये भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि जो भी बाहर से आता है वो इससे पहले कि वो अपने घर में जाए, फ्लू क्लिनिक हमारा 24/7 आवर्स है, अपनी सैम्पलिंग कराए और होम क्वारंटाइन हो जाए जब तक रिपोर्ट ना आए। रोजाना होने वाले नंबर ऑफ सैंपल्स की अगर बात की जाए तो उसे बढ़ाने की बात केंद्र और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से बार बार कही जा रही है। हिसार में क्या संख्या हम डेली कवर कर पा रहे हैं, और कुछ नई किट्स जो है वो पहुँचाने की बात की जा रही थी, क्या वो हिसार तक पहुँच पाए? नहीं, नई किट्स तो हमारी ये जो चल रही है RT-PCR ये तो चल ही रही है IgG, और वो जो नई किट्स आने की बात है, पहले तो 5 जिलों का आ रहा है जो इम्यूनोग्लोबुलिन टेस्ट आ रहा है, उसमें हिसार का नाम नहीं है, लेकिन हमारा काम अभी तक सैम्पलिंग बहुत अच्छी चल रही है। एवरेज अगर मैं समझने की कोशिश करूँ, रोजाना कहाँ तक पहुँच पा रहे हैं? एवरेज तो हमारे 300, कभी 350, 400 एवरेज चल ही रहा है, ऐसा नहीं है कि सैंपल हमारे कम हो रहे हैं। चलिए, आखिरी सवाल, ये भी आशंका जाहिर की जा रही है जैसा कि आप खुद भी कह रहे हैं कि नंबर ऑफ जो केसेज है वो बढ़ सकते हैं, तो आगे किस तरह से हम अपने मेडिकल फैसिलिटेशन को तैयार कर रहे हैं? बिल्कुल, हम अपना फैसिलिटेट भी कर रहे हैं, अपनी CC सेंटर्स भी बना रहे हैं। होम आइसोलेशन पे ज़्यादा है अगर वो फैसिलिटी घर में है और पेशेंट एग्रेस अगर ये सिम्टोमेटिक है, नहीं है तो हमारे CC सेंटर तो बने ही हुए हैं। हम चाहते हैं कि अच्छी से अच्छी फैसिलिटी उन्हें प्रोवाइड करें और CC सेंटर में रख लें, जो अपने घर पर ये सुविधा नहीं दे सकते कि अलग टॉयलेट है, बाथरूम है। और वैसे हमारे, आपको पहले से ही पता है कि कितने हॉस्पिटल, अग्रवा मेडिकल कॉलेज तो हमारे साथ चल ही रहा है। बढ़ाने की बात भी कुछ है? हाँ, अभी तो जो पहले से हैं उन्हें हम अच्छी क्वालिटी सर्विसेज मेंटेन करें, और अगर पेशेंट बढ़ते हैं तो वो भी हमारे अरेंजमेंट साथ साथ सिलेक्शन फैसिलिटीज़ का चल रहा है कि कहाँ। चलिए, लगातार अपडेट करने की बात कही जा रही है स्वास्थ्य सेवाओं को, उसके साथ ही कोरोना के संक्रमण से जो खतरा है वो दरअसल ट्रैवल हिस्ट्री वाले लोगों की वजह से बढ़ता जा रहा है, और हिसार में इसी खतरे के साथ तमाम स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने की ज़रूरत पड़ रही है। सहयोगी कमल के साथ महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।